नमस्ते, मेरा नाम नीरज है, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में एक जगह है बसई दारापुर, वहाँ रहते थे 51 साल के ध्रुव त्यागी। ध्रुव त्यागी को कुछ गुंडों बदमाशों ने, एक परिवार ने मिलकर चाकू से हत्या कर दी उनकी। साथ में उनके बेटे पर भी हमला हुआ और उनका बेटा भी उस हमले में घायल हो गया गंभीर रूप से। ये जो स्क्रीन पर मेरे बाईं तरफ जो तस्वीर देख रहे हैं वो उन्हीं ध्रुव त्यागी की है। दाईं तरफ जो दिख रहे हैं वो उनके भाई हैं। इस बीच खबरों में उनके भाई हैं, वो इसीलिए क्योंकि जब ध्रुव त्यागी की हत्या की गई तो हत्यारे मुस्लिम परिवार से आते थे। मुस्लिम परिवार से आने की वजह से इस हत्या को सांप्रदायिक रंग दिया जाने लगा। 51 साल के ध्रुव त्यागी देर रात अपनी बेटी और बेटे के साथ अस्पताल से वापस आ रहे थे। ऐसी वारदात हुई। बेटी को माइग्रेन की समस्या थी, अपने पिता और भाई के साथ अस्पताल गई थी। घर के पास पहुंचे तो गली में खड़े लोगों से रास्ता मांगने के पीछे उनका झगड़ा हो गया। पिता ने बेटी को घर छोड़ा और पड़ोसी को समझाने वापस आए। वहां दोबारा झगड़ा हुआ और पिता ध्रुव राज त्यागी की चाकू घोप कर हत्या कर दी गई। वजह थी बेटी से छेड़छाड़ का विरोध। घटना में मारे गए ध्रुव त्यागी अपनी बेटी से छेड़छाड़ का विरोध कर रहे थे और आरोपी के पूरे परिवार ने मिलकर ध्रुव त्यागी और उनके बेटे पर हमला कर दिया, जिसमें ध्रुव त्यागी मारे गए और उनका बेटा अभी तक अस्पताल में भर्ती है। इससे आगे बताते हैं कि जिस परिवार ने मारा, पीड़ित परिवार का कहना है कि जहांगीर उनकी पत्नी और बेटी घर की बालकनी से उन पर पत्थर बरसा रहे थे। जहांगीर वो आरोपी है, ठीक। पुलिस को बताया गया कि जहांगीर की पत्नी ने ही जहांगीर को चाकू ला कर दिया था। ध्रुव त्यागी के सीने के पास 2 बार चाकू से वार किया गया। त्यागी के बेटे अनमोल ने पुलिस को बताया कि जब उनकी बहन बीच बचाव करने के लिए पहुंची तो जहांगीर के परिवार ने उन पर भी हमला किया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये ध्रुव त्यागी हैं, ये उनका बेटा है जो घायल हुआ है अनमोल, तो इन दोनों पर हमला हुआ। अनमोल ने बताया कि पिता पर तो हमला किया, जब बहन बीच बचाव करने आई, वही बहन जिनके साथ उस परिवार जहांगीर के परिवार के लोग, जहांगीर पर आरोप है कि उस परिवार के जो लड़के थे वो पहले छेड़छाड़ करते, बाद में विरोध करने पर उनके घर गए तो वहां उन्होंने उनको मारा। मामले में और गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। अगले दिन पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत 4 को गिरफ्तार किया। आरोपी जहांगीर के ही परिवार से 2 और महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं आरोपी जहांगीर की मां और बहन है, मतलब यहां तक भी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस सबके बीच ध्रुव त्यागी के भाई का एक बयान आया है, वो बयान बहुत जरूरी है, वो हमें सुनना चाहिए, इसीलिए हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत से ही कुछ संगठनों ने हिंदू मुस्लिम रंग देने की इसको कोशिश की। मामला भले ही छेड़छाड़ और गुंडई का था, लेकिन कुछ लोग इसे चुनावी कलेवर में लाने की भरपूर कोशिश में थे। लेकिन मारे गए ध्रुव त्यागी के भाई ने मीडिया को जो बयान दिया वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या कहा, हमने एक शोक सभा का आयोजन किया था, उसमें कुछ संगठन भी आए थे, शोक सभा में कुछ बाहरी लोग भी शामिल हो गए थे, लेकिन हमने पहले दिन से इस बात को कहा था कि इस घटना को हिंदू मुस्लिम का रंग ना दिया जाए। हमारे साथ जो हादसा हुआ वो बेहद दुखद है और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आगे ऐसा किसी और के साथ ना हो। मैंने पुलिस कमिश्नर के सामने भी यही मांग रखी है कि इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाए, जिससे कोई घटना ऐसी दोबारा ना हो। मृतक ध्रुव त्यागी के परिवार ने समाज को साफ संदेश दिया कि वो मामले को सांप्रदायिक नहीं होने देंगे। इस मामले को लेकर लगातार लोग भी हमसे संपर्क कर रहे थे, तो स्थानीय लोगों से हमारी बात की हुई, तो ध्रुव त्यागी और जहांगीर दोनों परिवारों को जो लोग वहां के लोकल रहने वाले लोग हैं वहां के आसपास के, उनमें से एक है मोहित से हमने बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि कुछ लोग घटना के बाद से ही मामले को हिंदू मुस्लिम जैसा दिखाने की लगातार कोशिश में हैं, लेकिन हमारे पूरे मोहल्ले ने तय कर लिया है कि इस घटना को एक आपराधिक घटना के तौर पर ही देखा जाए। कुछ लोग नारे लगाते हुए ध्रुव त्यागी के घर भी गए थे, जहां से उन्हें त्यागी के परिवार वालों ने भगा दिया। और लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि अगर आज ध्रुव त्यागी के बेटे अनमोल जिंदा हैं तो उसके पीछे भी एक मुस्लिम है, रियाज अहमद ही वो शख्स है जिन्होंने अनमोल को अस्पताल पहुंचाया। अगर अनमोल समय से अस्पताल नहीं पहुंचते तो आज शायद घटना और बड़ी होती। तो ये साफ संदेश उस मोहल्ले में रहने वाले लोग भी दे रहे हैं, उन सब लोगों को खास तौर पर जो इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा हादसा है, एक बड़ी वारदात है जो इस परिवार के साथ में हुई है।
इस दुखद परिस्थिति में भी ये परिवार इस सांप्रदायिक तनाव से दूर रहने की जो अपील कर रहा है उस अपील के बहुत मायने हैं और ये अपील हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, हमें भी ऐसा लगता है। और जाहिर है जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। हमें उम्मीद है कि कानून और दिल्ली पुलिस खासकर अपने काम में कोई कोताही नहीं बरतेगी। दी लल्लन टॉप की भी यही अपील है और यही उम्मीद है कि इस तरह की घटनाओं को वारदात के तौर पर लें, आपराधिक वारदातों के तौर पर लें, ना कि हिंदू मुस्लिम दंगों को फैलाने की एक वजह के तौर पर। मेरा नाम नीरज है, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं, ये वीडियो यहीं तक। शुक्रिया।